हेलो, कैसे हो आप लोग? प्लीज़ इस वीडियो को 360p पे देखना, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। सो लेट्स टॉक बिजनेस ऑफ पेप्सोडेंट। तो पेप्सोडेंट शुरू हुआ था 1915 में, और पेप्सोडेंट का फाउंडर का नाम पता ही नहीं है किसी को। मैंने हर जगह चेक कर लिया, विकिपीडिया पे, डिफरेंट ब्लॉग्स पे, पेप्सोडेंट की साइट पे, कहीं पे नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि मैंने पेप्सोडेंट वालों को मेल भेजा, उन्हें फ़ोन करा, वो तब भी नहीं बता पा रहे। उन्हें खुद को नहीं पता कि कौन है इसका फाउंडर। अब बताओ, इतनी बड़ी जिस बंदे ने कंपनी खड़ी करी, उसका नाम ही नहीं पता किसी को। बस इतना पता है कि वो अमेरिकन है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पेप्सोडेंट ना ही कोई इन्वेंशन थी और ना ही कोई बेटर प्रोडक्ट, क्योंकि कोलगेट उससे बहुत पहले आ चुका है और पेप्सोडेंट सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के दम पे खड़ा हुआ है। आज तुम्हें असली ताकत पता चलेगी मार्केटिंग की। ये है वो बंदा जिसने उस वक्त पेप्सोडेंट की मार्केटिंग करी थी, क्लॉड हॉपकिंस। इसे उस टाइम का फादर ऑफ मार्केटिंग माना जाता है, यानी बोले तो बाप ऑफ मार्केटिंग। ये बंदा भाई बहुत जीनियस था मार्केटिंग में, और इसने बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करी हुई है। और जिस भी प्रोडक्ट की ये मार्केटिंग करता था ना, उसकी भाई सेल्स आसमान छू जाती थी। जैसे इसका मार्केटिंग करने का स्टाइल ही बहुत अलग था। ये जिस भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता था, उस प्रोडक्ट को किसी ना किसी तरीके से अपने नेचुरल डेली यूज़ की एक्टिविटी से जोड़ देता था ह्यूमन बींग्स की, जिससे कि भाई लोगों को लगता कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और इसे ख़रीदना बहुत ज़रूरी है, तो वो लोग खरीद लेते थे। जैसे इसने एक बारी मार्केटिंग करी थी क्वेकर ओट्स की। इसने ये बोला था कि अगर तुम रोज़ सुबह उठ के क्वेकर ओट्स खाओगे तो तुम्हें पूरे दिन एनर्जी मिलेंगी। तो लोगों ने भाई यकीन मान लिया, और अभी तक लोग सुबह ही वो ओट्स खाते हैं। उन्हें लगता है कि वो पूरे दिन भर वो एनर्जी देता है, बल्कि वो बस इसका एक मार्केटिंग गिमिक था। एक दिन इसके पास इसका पुराना दोस्त आया, जो पेप्सोडेंट का फाउंडर है, अरे जिसका हमें नाम नहीं पता, वो इसके पास आता है और बोलता है, ब्रो आई हैव एन अमेजिंग प्रोडक्ट, विल यू डू मार्केटिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट? इसने बोला, ओके ब्रो, टेल मी दी प्रोडक्ट। तो जब वो इसे प्रोडक्ट बताता है, इसे पता चल जाता है प्रोडक्ट में कुछ भी खास नहीं है। तो इसने उसे ये बोल दिया कि ब्रो गिव मी सम टाइम, आई विल रिसर्च द मार्केट एंड देन आई विल टेल यू। तो ये सबसे पहले रिसर्च करता था प्रोडक्ट की, कि वो मार्केट कैसा है प्रोडक्ट का, फिर वो लेता था एक्शन। तो क्लॉड भैया बैठ गए पूरी रिसर्च करने मार्केट की, और जब इसने रिसर्च करी, इसे पता चला कि US में कोई ढंग से ब्रश करता ही नहीं है उस टाइम पे 1915 में। ना लोग सुबह ब्रश करते हैं, ना रात को ब्रश करते हैं, और पूरे अपने दांत कतई सड़ा रखे हैं। लोगों ने अपने दांत इतने सड़ा लिए थे उस वक्त कि World War I के टाइम जब US मिलिट्री लोगों को रिक्रूट कर रहा था, तब उसके जो फिजिकल टेस्ट या जो भी वो टेस्ट होते हैं वो US मिलिट्री ले रहे थे, तो सबके दांत खराब आ रहे थे, सड़े हुए एकदम। यहाँ तक कि US मिलिट्री ने ये तक बोल दिया था कि वो दांतों की हेल्थ को नेशनल हेल्थ अलर्ट के लिए घोषित कर दो, कि लोग अपनी वो दांतों का ध्यान दे। क्लॉड भैया उस दिन उस टाइम पे पूरी अपनी रिसर्च में डूबे हुए थे। वो पूरा रिसर्च कर रहे थे, और किसी डेंटल बुक में उन्होंने पढ़ा प्लाक के बारे में, जो येलोइश बीमारी होती है, और इसे ये फिल्म बोलता था ताकि लोग आराम से समझ जाए। तो इसे आइडिया आ गया, और इसने तुरंत वो बिलबोर्ड्स पे वो एडवर्टाइजमेंट रन करवाए, और उसमें लिखा हुआ था, जस्ट रन योर टीथ टंग अक्रॉस योर टीथ, यू विल फील अ फिल्म, दैट्स व्हाट मेक योर टीथ लुक ऑफ कलर एंड इनवाइट्स डेके, पेप्सोडेंट रिमूव द फिल्म। तो जो भी ये बंदा पढ़ता था, वो सब अपनी जीभ चला के देखते थे, हाँ भाई कुछ फील तो हो रहा है। अब भाई 2-3 दिन तक तुम ब्रश नहीं करोगे तो तुम्हें तुम्हारे दांतों में वो गम जैसा फील होगा। तो उसी का ये फ़ायदा उठा के इसने वो मार्केटिंग करी, और ये भाई इतना सक्सेसफुल मार्केटिंग थी, इसने पेप्सोडेंट की पूरी कंपनी चला दी। अब ये सिर्फ लोगों को ये बोलता ना, ब्रश योर टीथ एवरी डे विथ पेप्सोडेंट और समथिंग लाइक दैट, तो कोई नहीं सुनता इसकी, ना ही कोई सुनता, ना ही कोई कुछ करता। पर इसने बहुत ही यूनिक तरीके से मार्केटिंग करी कि देखो वो फिल्म हमारा प्रोडक्ट हटाता है। भले ही वो सिर्फ आम सी बात थी, तुम गार्गल्स कर लो या सेब खा लो या लिक्विड या वो दांतों पे हाथ लगा लो तो वो हट जाती, पर इसने बोला पेप्सोडेंट हटाती है उसे। तो काफ़ी यूनिक तरीके से मार्केटिंग करी, और
इसने ये बात खुद बोली थी कि हमारे प्रोडक्ट में कुछ नहीं था, सिर्फ बस मिंट की वो खुशबू आती थी। तो अगर कोई ब्रश करता था तो उसे तुरंत उसी वक्त फील हो जाता था कि हाँ भाई कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ दांतों को। तो मतलब तुरंत रिवॉर्ड मिल जाता था, जैसे कि लड़के वो 10 पुशअप मार के सोचते कि भाई निकाल दी चेस्ट, बन गए आर्नल्ड हम तो आज। वैसे ही एकदम मतलब लोगों को फिर मज़ा आने लग गया ब्रश करने में, क्योंकि उन्हें रिजल्ट मिल रहा था, उन्हें मिंट सी वो फील आ रही थी। भले ही वो दांतों को साफ करने में कुछ हेल्प नहीं कर रही थी, पर लोगों को फ्रेश फील हो रहा था। सो इसी रीज़न की वजह से पेप्सोडेंट चला, और फिर 1944 में यूनिलीवर ने पेप्सोडेंट को ख़रीद लिया एक अनडिस्क्लोज अमाउंट में, और यूनिलीवर का जो मार्केट शेयर है हिंदुस्तान यूनिलीवर सिर्फ 22% है। मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर इसलिए बोला क्योंकि पेप्सोडेंट के साथ साथ क्लोजअप भी बनाता है, जिसका वो ऐड आता है, पास आओ पास आओ पास आओ ना वो। खैर, लेकिन कोलगेट का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, 52%। कोलगेट सबका बाप है, पर भाई थी भी कोलगेट बहुत बड़ी इन्वेंशन। पर पेप्सोडेंट की स्टोरी देखा ना, यह मजाक है, सिर्फ मार्केटिंग के दम पे खड़ी हो गई है पूरी कंपनी, काफी प्रॉफिट्स कमाए हैं। फाउंडर का नाम नहीं पता, सबसे ज्यादा हंसी इस चीज पे आ रही है, किसी को नहीं पता। मैंने वो मेल भेजा था उन्हें, भाई फाउंडर का नाम बता दो, मेरे को प्रोजेक्ट बनाना है। उन्होंने खुद नहीं पता, उन्हें फालतू के एक्सक्यूज दे रहे हैं। बात भी हुई थी फोन पे। चलो यार, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। तुम्हें कुछ समझ आया ही होगा, कुछ नया सीखने को ही मिला होगा ही। ये बात अलग है, पेप्सोडेंट के फाउंडर का नाम नहीं पता चला, पर चलो कोई नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।